चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कह रहा कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, एक टेस्ट हुआ है और यस ने 40 मार्क्स ऑब्टेन किया है। आगे लिखा है कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर, नियम क्या है टेस्ट का? 40 मार्क्स तो वो कंटेन किया है, उसको प्राप्त हुआ है, लेकिन रूल क्या है टेस्ट का कि अगर आप एक राइट बनाइएगा क्वेश्चन को तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा और अगर आप एक रॉन्ग बनाइएगा तो आपको 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे फॉर इच रॉन्ग आंसर। फिर बोला कि हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर, अगला इन्फॉर्मेशन है हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर, प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जा रहा है एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। देखो दो कहानी है, अगर क्वेश्चन आपका जितना मात्रा है वही है, लेकिन अगर उस क्वेश्चन के लिए ये नियम बनाया जाए कि एक सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स देंगे तुमको और एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स काट लेंगे तुमको, तब जो है वो यस जो है वो स्कोर किया 40 मार्क्स। लेकिन उसी क्वेश्चन के लिए हम बना दिए कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अगर हम तुमको 4 मार्क्स देंगे, 4 मार्क्स देंगे और प्रत्येक गलत के लिए हम 2 मार्क्स काटेंगे, अगर ये नियम उसी टेस्ट के क्वेश्चन के लिए बनाया गया तब वो यस जो है कितना स्कोर किया है 50 मार्क्स। बात समझे? माने क्वेश्चन का मात्रा 50 है तो 50 है, लेकिन अगर उस क्वेश्चन के लिए नियम ये बनाया जाए कि एक क्वेश्चन के गलत पे सही पे 3 मार्क्स और एक क्वेश्चन के गलत पे 1 मार्क्स काटेंगे तो 40 मार्क्स कमाया, और अगर उसी क्वेश्चन के लिए अगर 4 मार्क्स सही के लिए दिया गया और 2 काट लिया गया गलत आंसर के लिए तो वो पाया है 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ इसमें लिखना चाहिए क्वेश्चन वाले को कि टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है ना, अगर टोटल क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन वो बनाया ही नहीं, न सही मारा न गलत मारा, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उस पर तो मार्क्स का कोई लेखा जोखा ही नहीं होगा क्योंकि उस पर 0 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि उसने ट्राई ही नहीं किया, तो ये क्वेश्चन में देना चाहिए वैसे नहीं दिया है तो वो टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, टोटल क्वेश्चन को क्या किया वो अटेम्प्ट किया है। चलिए मान लेते हैं कि क्वेश्चन की मात्रा कितनी है, यही निकालना है ना हमको, तो क्वेश्चन की मात्रा पे कैसे सोचोगे? हम डायरेक्ट मान लें क्वेश्चन की मात्रा मान सकते हैं क्या? तो फिर हम क्या करेंगे जरा सोचो। सुनो सुनो, हो गया। इसमें क्या करो कि बंदा जो यस है वो तो क्वेश्चन को सही और गलत बनाया होगा, टोटल क्वेश्चन जब अटेम्प्ट किया है तो सही बनाया होगा नहीं तो गलत बनाया होगा, तो मान लो कुछ क्वेश्चन को वो सही बनाया और कुछ क्वेश्चन को वो गलत बनाया है और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स उसको दिया जा रहा है, गलत पे एक कंडीशन में गलत पे इतना, सही पे इतना, दूसरे कंडीशन पे सही पे इतना, गलत पे इतना। तो हम मान लेते हैं कि यस ने एक्स क्वेश्चन सही बनाया, लेट आंसर करेक्ट बाई यस बी एक्स एंड इनकरेक्ट बी वाई, माने यस ने एक्स क्वेश्चन सही बनाया है और वाई क्वेश्चन गलत बनाया है ये हम मान लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन अगर पहला केस लिया जाए तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स दिया जा रहा है और एक सही क्वेश्चन लेट आंसर भी मतलब लेट करेक्ट आंसर लिख लो वो ज़्यादा रहेगा, करेक्ट या ऐसे लिखो
नंबर ऑफ लिखोगे वो अच्छा रहेगा. लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टेड बाई यस बी एक्स. जो करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाया है वो एक्स है और जो इनकरेक्ट बनाया है वो उसकी संख्या वाई है. अब जरा बताओ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? एक्स प्लस वाई हुए ना. अगर सही उत्तर और गलत उत्तर, तो सही अगर मान लो x बनाया है क्वेश्चन में और y क्वेश्चन गलत बनाया है, तो टोटल क्वेश्चन की मात्रा x प्लस y हो गई. अब उसमें पहला कंडीशन में है वो मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं मार्क्स. अब एक बात बताओ कि एक सही के लिए वो 3 मार्क्स पा रहा है और टोटल मार्क्स वो 40 पाया है, तो 40 के बराबर तो हमको लिखना है, तो ये मार्क्स है ना, तो इधर भी हमको मार्क्स वाला कहानी लिखना होगा. अब 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर, तो कितना राइट बनाया है, राइट कितना क्वेश्चन बनाया है, तो अगर एक गो क्वेश्चन सही बनाता तो 3 मार्क्स मिलता, दो गो क्वेश्चन सही बनाता तो नहीं. समझे? अगर एक गो क्वेश्चन सही बना रहा है तो 3 मार्क्स मिल रहा है, तो दो गो क्वेश्चन सही बनाएगा तो 6 मार्क्स, 3 गो सही बनाएगा तो 9 मार्क्स, 4 गो सही बनाएगा तो 12 मार्क्स. तो x गो अगर सही बनाया है तो 4 × 3 यानी कि 3x जो है मार्क्स मिल जाएगा उसको सही पे. लेकिन उन्होंने गलत भी बनाया है तो एक गलत माने टोटल एक क्वेश्चन पे गलत मार्क्स 1 है और टोटल वो y गलत बनाए हैं, तो यही जो मार्क्स है उसमें से ही ना घटेगा, 1 × y डिडक्ट होगा. तो यहाँ माइनस क्यों हुआ, माइनस क्यों हुआ ये समझ में आया? तुम खुद सोचो ना कि तुम्हारे ही क्लास में ऐसा किया गया है, तो अगर तुम मान लो एक विद्यार्थी का मान लो टोटल 50 क्वेश्चन वो बनाया है और 3 मार्क्स सब पे दे रहे हो, तुमको पता चल गया है कि 10 गो गलत बनाए हैं 40 गो सही बनाया है, तो 40 गुने 3 मार्क्स दे दोगे उसको सही के लिए 120 मार्क्स, लेकिन 10 गो गलत बनाया है तो उसमें माइनस 1 भी दोगे, तो 120 में से ना माइनस 10 घटाओगे. तो ये जो सही क्वेश्चन क्या है उसकी मार्क्स जो है हो गई 3x, गलत पे 1y मिल रहा है और गलत की संख्या नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हमको नहीं मालूम है कि कितना गलत बनाया है, तो हम y मान लिए कि y गलत बनाया है, तो एक गलत पे 1 मार्क्स कम, तो y गलत पे y मार्क्स, तो माइनस y. अब सेकेंड कंडीशन अगर सही उत्तर पे 4 मार्क्स दिया जाए, सही उत्तर पे 4 मार्क्स दिया जाए और गलत उत्तर पे 2 मार्क्स काट लिया जाए, तब जो है मार्क्स मिल रहा है कितना उसे 50. तो अब हम 50 के बराबर लिखेंगे. अब 4 × x हो जाएगा क्योंकि सही की क्वेश्चन की संख्या x है, तो 4x मार्क्स उसे मिल जाएगा, लेकिन 2 मार्क्स घट रहा है प्रत्येक गलत उत्तर पे, तो y क्वेश्चन गलत किया है तो 2y घट जाएगा. अब ये इन्फॉर्मेशन हो गया. यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बनाना है हमको, इक्वेशन बन चुका है, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो 2x, ये y और ये 25 होगा क्या, 2 हम डिवाइड कर दिए. अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे और इक्वेशन 2 इसको मान लेंगे और दोनों को डायरेक्टली हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे. तो ज़रा सोचो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या होगा, एक होगा तुम्हारा 3x माइनस वाई इजकल टू 40, एक होगा तुम्हें 4x अब 2x हो चुका है, 2x प्लस, अच्छा ये प्लस थोड़ी होगा, ये भी तो माइनस ही ना होगा यार, ये भी तो माइनस ही होगा ना, तो तुमको घटाना पड़ेगा, तो 3x
टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 50। अब घटाओगे तो साइन बदलेगा, अब ये हो गया x, ये y से y कैंसिल आउट, और ये हो गया सॉरी ये माइनस एक्स होगा और ये होगा माइनस 10। तो x का वैल्यू 10 हो गया, अब x का वैल्यू 10 हो गया और y का वैल्यू आप इक्वेशन 1 से निकाल लो, तो इक्वेशन 1 इंप्लाई क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 40। तो 3x माइनस 10 बराबर 40, तो 3x बराबर, कुछ गलत किए हैं क्या जी? ये कट नहीं रहा है जी, ये जो है 50 नहीं ना होगा, 25 होगा ना, तो अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x माइनस वाई बराबर 25 हो गया। तो अब अगर हम मान लो दोनों को जोड़ेंगे सॉरी घटाएंगे तो ये गायब हो गया, अगर ये घटाएंगे तो तीन में से, अच्छा ये प्लस होगा, तीन में से दो घटा तो प्लस होगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 40 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 15। तो x का वैल्यू 15 आ गया है, तो x का वैल्यू 15 रख दो यहाँ पे, तो 3 गुने, यहाँ भी देखो ना हम y का वैल्यू रख रहे थे, अजीब हाल है, x का ना वैल्यू रखेंगे जी, फिर x माइनस वाई बराबर 40, तो 15 × 45 हो गया माइनस वाई बराबर 40, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर निगेटिव आ रहा है ना, पैंतालीस आएगा, ये 45 होगा, 15 × 45 होता है, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 5, तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा था टेस्ट में, तो वो एक्स वाई थोड़ी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो एक्स प्लस वाई है ना, तो 15 और 5 20 क्वेश्चन है हमारे टेस्ट में, समझ गए? तो आज इतना ही रहेगा, थैंक यू।